वेलकम टू करियर डेस्ट अकेडमी वीडियो। हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री सामान्य ज्ञान जीके टॉपिक के अंतर्गत ऐतिहासिक व्यक्तित्व, कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, जिसमें हम नांग भट्ट प्रथम, ग्यासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोधी, दयानंद सरस्वती, देवराय प्रथम, बाजीराव प्रथम के बारे में प्रकाश डालेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। इसकी स्टडी हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए देखते हैं हम इन पर्सनालिटी के बारे में। पहले नांग भट्ट प्रथम। नांग भट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नांग भट्ट प्रथम था, जिसने 730 से 756 ईस्वी पूर्व तक ये राज किया है, वह एक पराक्रमी शासक था। यदि आपको नांग भट्ट प्रथम से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके पॉइंट देख सकते हैं। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक शक्तिशाली मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। वह मलेच्छ शायद सिंध का शासक था, ये ध्यान दें। ये इसने मलेच्छ शासक को शासक सिंध का शासक था मले शासक सिंध का शासक था तो उसकी विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। ये पहला पॉइंट निकल के आ रहा है। दूसरा पॉइंट इसके जो निकल के आ रहा है कि इस प्रकार नांग भट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की तथा उनके द्वारा रौंदे हुए अनेक प्रदेशों को पुनः जीत लिया, इसका दूसरा पॉइंट है आपका। और तीसरा पॉइंट है कि मुस्लिम लेखक अल बिलादुरी के विवरण से पता चलता है कि जुनैद को मालवा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। ये अलग पॉइंट है, इसी से संबंधित है, हम आगे देखते हैं। तो जो मुस्लिम लेखक अल बिलादुरी है तो उसके विवरण से पता चलता है कि जुनैद को मालवा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। इसके अगला पॉइंट है कि इस प्रकार गुजरात और राजपूताना के बड़े भाग का वह शासक बन बैठा था। नांग भट्ट प्रथम गुजरात तथा राजपूताना के बड़े भाग का शासक बन गया था। ग्वालियर लेख से यह भी पता चलता है कि मलेच्छ राजा की विशाल सेना को चूर करने वाला मानो नारायण रूप में वह लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि नांग भट्ट ने अरबों को परास्त कर भड़ोच के आसपास का क्षेत्र छीन लिया तथा अपनी ओर से चहमान शासक भरतवड द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त किया था। ये भड़ोच के आसपास का क्षेत्र छीन लिया था, वो अपनी ओर से चहमान शासक था, भरतवड द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त भी कर दिया था। हसोट लेख से इसकी पुष्टि होती है जो नांग भट्ट के समय जारी करवाया गया था। ये हंसोट लेख है, उसकी पुष्टि होती है कि वो नांग भट्ट के समय जारी करवाया गया था। इसके पहले अरबों ने जय भट्ट को पराजित कर भड़ोच पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद नांग भट्ट प्रथम ने भड़ोच पर अपना अधिकार किया था और वहां पर भरतभंड द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था, किंतु नांग भट्ट ने पुनः वहां अपना अधिकार स्थापित कर भरतभंड को शासक बना दिया था। नांग भट्ट का जो समसालिक अरब शासक था वह जुनैद था, जो आपका पिछली पॉइंट आया था, तो इसी कारण आया था कि नांग भट्ट का समकालीन अरब शासक जुनैद था। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में हम जानते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी ने शासन किया, ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त भी हुआ था। इसका पॉइंट देख लेते हैं हम। ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसने मंगोलों के 23 आक्रमण विफल किए थे। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मालिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सल्तनत काल में नहर बनाने वाला प्रथम शासक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में नहर बनाने वाला प्रथम शासक था। ग्यासुद्दीन की डाक व्यवस्था थी वह बहुत श्रेष्ठ मानी जाती थी। किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वह नहीं था। उसने मुकद्दम तथा खतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे। ये इसने बहुत बड़ा अच्छा काम किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया था। ऋणों की वसूलों को बंद करवा दिया था। भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में।
अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गियासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बरनी ने रसम ए मियान अर्थात मध्यपंथी नीति कहा। ये ध्यान दीजिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो तो बहुत कूर शासक था, लेकिन जो गियासुद्दीन था उसने उदारता की नीति अपनाई, इससे बरनी ने रसम ए मियान अर्थात मध्यपंथी नीति कहा। बरनी के अनुसार सुल्तान अपने सैनिकों के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था, ध्यान दीजिए, और उसकी एक उदारता सामने आई थी, उसके जो सैनिक थे वो अपने बेटा समान मानता था। अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ एकता का भी आहार बनाया गया, ताकि इजारेदारी की प्रथा समाप्त की जा सके, ये भी इसने किया। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग तथा चेहरा प्रथा को प्रभावशाली ढंग से लागू किया। इसने एक काम तो जरूर किया था अलाउद्दीन खिलजी के पदचिन्हों पर चल के। गियासुद्दीन ने 1321 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में असफल रहा था। गियासुद्दीन ने 1323 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत शहजादे जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व को पुनः स्थापना के लिए भेजा था। निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था, इस कारण सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था। या निजामुद्दीन औलिया ने बोल दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, तो सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था कि अभी दिल्ली दूर नहीं है, गियासुद्दीन तुगलक कहता था। इसका अगला पॉइंट है कि जौना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांडव राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। इस प्रकार गियासुद्दीन के समय में ही सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, इसमें सर्वप्रथम वारंगल था। स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन तुगलाबाद के समीप अफगानपुर गांव के गिरने से फरवरी मार्च 325 में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? ये जौना खां की। ध्यान दें, ये अगला पॉइंट हम देखते हैं, बहलोल लोधी का हम पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये गियासुद्दीन तुगलक की ही मृत्यु हुई थी। ध्यान दें, स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन तुगलाबाद के समीप अफगानपुर गांव के गिरने से फरवरी मार्च 2325 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, बहलोल लोधी दिल्ली के प्रथम पठान राज के संस्थापक। बहलोल लोधी अफगान स्थान की गिलजाई कबीले के महत्वपूर्ण शाखा लोधी के साउखेल नामक कुटुंब से उत्पन्न हुआ था। ध्यान दें, ये बहलोल लोधी है दिल्ली के प्रथम पठान राज का संस्थापक। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, बहलोल लोधी सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से उतार दिया और लोधी वंश की नींव इसने रखी थी। बहलोल लोधी की मुख्य सफलता जौनपुर 1484 ईस्वी राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। ये जौनपुर को 1484 ईस्वी में इसने राज्य को दिल्ली में सम्मिलित कर लिया था। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया था। उसने बहलोल सिक्कों को चलाया, जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। बहलोल लोधी का एक साधारण व्यक्ति था बहलोल लोधी एक साधारण व्यक्ति था तथा तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता, वह अपने सरदारों के साथ मिलता था। ध्यान दीजिए, बहलोल लोधी एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए उसने खुले हाथों भेंट पुरस्कार आदि बांटकर सेना का विश्वासपात्र बनने का प्रयत्न किया। राज्य की आंतरिक व्यवस्था स्थापित करने तथा अमीरों और सूबेदारों को दंड के लिए जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, बहलोल ने कठोर सैन्यवादी नीति का अनुसरण करने का निर्णय भी लिया था। जौनपुर पर अपनी सत्ता स्थापित करने के पश्चात बहलोल ने कालपी, धौलपुर, बाड़ी और आलापुर के शासकों को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने पर बात करने में भी उसे सफलता प्राप्त हुई। उसके उपरांत बहलोल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर के राजा मानसिंह को 80 लाख टका सुल्तान को भेंट करने पड़े थे।
ध्यान दें दोस्तों, बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था और ग्वालियर के राजा जो मानसिंह तोमर थे उन्हें 80 लाख का टका सुल्तान को भेंट करने पड़े थे। ग्वालियर से लौटते समय मार्ग में ही बहलोल बीमार पड़ गया और जलाली के निकट 1489 ईस्वी के मध्य में उसकी मृत्यु हो गई थी, चल बसा था। ग्वालियर के लौटते समय ही मार्ग में बहलोल लोधी बीमार पड़ गया था। देवराय प्रथम जिसने 1406 से 1422 ईस्वी तक राज किया, विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश के शासक हरिहर द्वितीय का पुत्र था। 1406 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात देवराय प्रथम उत्तराधिकारी हुआ। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद देवराय प्रथम को फिरोजशाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। बहमनी शासक के हाथों के रूप में 10 लाख का हरजाना देना पड़ा। उसे सुल्तान फिरोजशाह के साथ अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी और दहेज के रूप में दाओ क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न रहे। देवराय प्रथम ने ही 10,000 मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था। देवराय प्रथम ही वो आदमी था जिसने 10,000 मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था। दक्षिण भारत में इस प्रकार का पहला राजनीतिक विवाह नहीं था। इससे पहले खेरला का राजा शांति स्थापित करने के लिए फिरोज बहमनी के साथ अपनी लड़की का विवाह कर चुका था। दोस्तों जो विवाह हुआ था उसके बारे में और पॉइंट आ गया। देवराय प्रथम ने अनेक जनकल्याणी योजनाएं प्रारंभ की। उसने तुंगभद्रा पर हरदा बांध बनवाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें बनवाई। देवराय प्रथम के शासनकाल में ही इटालियन यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने नगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का वर्णन किया था। देवराय प्रथम विद्वानों का भी महान संरक्षक था। उसके दरबार में हर विलासम और अन्य ग्रंथों की रचना कर प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ शोभित करते थे। देवराय प्रथम के विषय में कहा गया है, सम्राट अपने राजप्रसाद के मुक्ता सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया करता था। उसके समय में विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बन गया था। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। वह बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के बड़े पुत्र थे। राजा साहू ने बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें अपना दूसरा पेशवा 1722 से 1740 ईस्वी नियुक्त किया था, जिससे बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा का पद वंशानुगत पैतृक हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। बाजीराव प्रथम को बाजीराव बल्लाल तथा सोरेले बाजीराव के नाम से भी जाना थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया ताकि मराठाओं का पताका कृष्णा से लेकर अटक तक फहराया जा सके। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिवादक कहा गया है। बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य के तेजी से हो रहे पतन और विघटन से परिचित थे तथा वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते थे। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही थी इन्होंने मुगलों के बारे में। इसी के काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की थी। ध्यान दीजिए दोस्तों। और अगला हमारा पॉइंट है कि बाजीराव प्रथम ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सीदियों की विरुद्ध एक लंबा शक्तिशाली अभियान प्रारंभ किया था तथा अंत तोक्तवा उन्हें मुख्य भूमि से निकालकर बाहर कर दिया था। बाजीराव प्रथम विस्तारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने हिंदू जाति को कीर्ति को विस्तृत करने के लिए हिंदू पदपदशाही के आदर्श को फैलाने का प्रयत्न किया। 23 जून 1724 ईस्वी में सूकरखेड़ा के युद्ध में मराठी की को मदद से
निजामुल मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार मुजारक खां को परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। निजामुल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और चौथ देने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप 1728 ईस्वी में बाजीराव ने निजामुल मुल्क को पाल खेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया था। ध्यान दें दोस्तों, 1728 ईस्वी में बाजीराव ने निजामुल मुल्क को पाल खेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया था। युद्ध में पराजित होने पर निजामुल मुल्क संधि के लिए बाध्य हुआ था। युद्ध में जब पराजित हुआ था तो उसने संधि कर ली थी। 6 मार्च 1728 ईस्वी को दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई, जिसमें निजाम के मराठों को चौथ और सरदेश मुख देना स्वीकार कर लिया। इस संधि से दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। बाजीराव प्रथम के समय ही मराठा मंडल की स्थापना हुई। इसमें ग्वालियर के सिंधे, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोंसले को शासक शामिल थे, सिंधे को जिसे सिंधिया। जब 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तब तक मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अब है दोस्तों दयानंद सरस्वती। इनसे कई क्वेश्चन आपके जीके के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उनकी पहचान महान समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता, प्राकांड विद्वान, सच्चे सन्यासी, ओजस्वी संत और स्वराज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के राजकोट जिले के काठियावाड़ क्षेत्र में टंकारा गांव के निकट मोरवी नामक स्थान पर सन 1824 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1824 को। इनके बारे में हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये इनका बचपन की बात करें तो इनका नाम मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में देवनागरी लिपि का ज्ञान हासिल कर लिया था तथा और संपूर्ण यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था। उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। ये दंडी स्वामी पूर्णानंद थे, उन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा जब ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी ब्रजानंद थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है, जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है, इसकी पूजा मूर्ति रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में होनी चाहिए। कुछ समय पश्चात आर समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यात प्रकाश है। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है वो सत्यात प्रकाश है। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। इनमें से प्रथम है वेदों का अध्ययन। शेष सभी सिद्धांत सद्गुण तथा नैतिकता से संबंधित हैं। दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार के जो नियम बनाए थे उनमें जाति भेद और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले गए। दयानंद वेदों का प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे। उन्होंने इसलिए कहा था, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो सबसे प्रसिद्ध नारा है दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। ये ध्यान दें, पाखंड खंडनी पताका लहराई झूठे धर्मों के खंडन के लिए। आर समाज का दूसरा कार्यक्रम गोरक्षा आंदोलन था, जो कि 1882 में आर समाज ने गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। 1882 में आर समाज ने गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। एनी बसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए
है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें और इस प्रकार के वीडियो अवश्य देखा करें, आपके कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। तो हम दयानंद सरस्वती से अगला पॉइंट देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। स्वामी वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा था। ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। तो दयानंद सरस्वती को क्या था, भारत का मार्टिन लूथर कहा था। 1882 में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी नारा दिया, स्वदेशी का उपयोग करने वाले वह प्रथम भारतीय थे, जिस प्रकार से आजकल वो जो बाबा रामदेव कह रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो हमने देखा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कमेंट आप कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। यह वीडियो आपकी जो भी जीके प्रतियोगिता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मतलब जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए है, और कहीं एमपीपीएससी हो या फिर पीएससी एग्जाम हो जिसमें मेंस एग्जाम होते हैं, कुछ टॉपिक लिखने की बात होती है तो वहाँ भी आप इन पॉइंट बिंदु देख सकते हैं और आप अपना जो है वो सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। और इसके स्टडी आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।